देशभर में 18 साल से ऊपर के उम्र के लोगों को टीकाकरण आज से शुरू हो गया है, लेकिन हिंदुस्तान के दिल यानी मध्य प्रदेश में अभी इस उम्र के लोगों को थोड़ा इंतजार करना होगा अपनी वैक्सीन की डोज के लिए। क्यों, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी। सर, क्या वजह है कि मध्य प्रदेश अभी 18 साल और उससे ऊपर की उम्र के लोगों को टीकाकरण नहीं कर रहा है, जबकि देश के कई राज्यों ने आज से इसकी शुरुआत कर दी है? टीकाकरण जो 18 से प्लस के लगाने का निर्णय हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने और भारत सरकार ने जैसे ही लिया, उसके तत्काल शीघ्र ही हम लोगों ने कंपनियों के लिए वैक्सीन खरीदने के आर्डर दे दिए थे और हमें उम्मीद थी कि 1 तारीख तक हमको कंपनियां वैक्सीन उपलब्ध करा देंगी, लेकिन प्रोडक्शन की वजह समझ लें या ज़्यादा डिमांड की बात हम समझ लें, इसलिए कंपनियों ने हमको वैक्सीन उपलब्ध नहीं कराई। इसलिए प्रयासरत हैं, मुख्यमंत्री जी ने भी बात की है, हमारे अधिकारी भी बातचीत कर रहे हैं कि हमको जल्दी ही वैक्सीन मिल जाए जिससे हम 18 प्लस को वैक्सीन लगाना शुरू कर दें, और मैं उम्मीद करता हूं कि जल्दी ही हमको वैक्सीन मिलेगी तो हम जो 18 प्लस का वैक्सीनेशन प्रारंभ करेंगे और 45 प्लस का वैक्सीनेशन अभी सुचारू रूप से चल रहा है मध्य प्रदेश में। अगर 45 की हम बात करें तो 45 सालों से उम्र अधिक उम्र के लोगों के लिए कितनी वैक्सीन मध्य प्रदेश में अवेलेबल इस वक्त है, क्योंकि खबर ये भी आ रही है कि वैक्सीन के जो केंद्र है उन्हें कम किया गया है बीते कुछ दिनों में। जो हम लोग अभी साइट हम लोगों ने तय करी थी वो अस्पतालों में हम लोग वैक्सीन लगाते थे, लेकिन संक्रमण जैसे ही फैला तो लोगों को आने में थोड़ी हिचकिचाहट थी, जो स्वस्थ लोग थे क्योंकि वहाँ पर संक्रमित लोग भी आ रहे थे, इसलिए हम लोगों ने साइटें दूसरी जगहों पर चेंज की हैं, स्कूल में या पंचायत भवन में या दूसरे जो भवन हैं जहाँ सेफ तरीके से लोग आएँ और वैक्सीन लगवा सकें। और 3.5 लाख से अधिक के डोज अभी हमारे पास उपलब्ध हैं जिससे हम लोग वैक्सीन लगा रहे हैं। कितने दिन तक चल जाएंगे ये 3.5 लाख डोज? और हमको, हमने मांग की है जल्दी भारत सरकार से और भी हमको मिल जाएगी, और जो अभी इतने से हम लोग वैक्सीनेशन संचालित कर रहे हैं। एक समस्या ये भी आ रही है कि सर, लोगों ने वैक्सीनेशन के लिए 18 साल के ऊपर उम्र के जो लोग हैं उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया, उन्हें मैसेज मिला, अब ऐसे कई लोग हैं जो टीकाकरण केंद्रों पर तो पहुंच रहे हैं लेकिन उन्हें निराशा हाथ लग रही है, इस समस्या को कैसे दूर करें? जो हम लोगों ने जो रजिस्ट्रेशन कराए हैं 18 प्लस के, वैक्सीन जैसे ही उपलब्ध हो जाएगी हम उनको इन्फॉर्म करेंगे जो साइटें होंगी उसके अनुसार और उपलब्धता के अनुसार फिर वैक्सीन लगाएंगे। कोई निश्चित समय सीमा है कब से लगनी शुरू हो जाएगी मध्य प्रदेश में वैक्सीन 18 से ऊपर के लोगों को? वैक्सीन हमको उपलब्ध हो जाएगी, हम उम्मीद करते हैं कि 1 हफ्ते के अंदर ही हमको वैक्सीन मिल जाएगी, ऐसी हमको आशा है, और हम उसके उपलब्धता के आधार पर तय करके फिर वैक्सीन को लगाना प्रारंभ करेंगे। मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी, जिन्होंने बताया है कि क्यों आखिरकार मध्य प्रदेश में 18 साल और उससे ऊपर के उम्र के लोगों को फिलहाल अपनी वैक्सीनेशन के लिए इंतजार करना होगा।